ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महिलाओं के लिए एक स्वतंत्र कक्ष हो और उनके बच्चों को भी एक अच्छा माहौल मिले, इस उद्देश्य से महिला विश्राम गृह की गिट्टी खदान पुलिस थाने में निर्माण किया गया है। पुलिस प्रशासन और MI7 इस सामाजिक संस्था द्वारा निर्माण किए गए इस विश्राम गृह के बारे में पुलिस अधिकारी ने जानकारी साझा की। नागरिकों की सुरक्षा के लिए पुलिस हमेशा ही कार्यरत रहती है। कई बार ऐसा होता है कि पुलिस कर्मियों को अपने परिवार वालों को भी नजरअंदाज करना पड़ता है। जब बात आती है महिला पुलिस कर्मियों की तो उन्हें एक साथ घर और ऑफिस संभालना पड़ता है। कई बार उन्हें अपने बच्चों को भी संभालना होता है, लेकिन वो ड्यूटी के चलते ध्यान नहीं दे पाते। महिला पुलिस कर्मियों की इस बात को समझते हुए गिट्टी खदान पुलिस थाने में महिला विश्राम गृह और उनके बच्चों के लिए भी बाल कक्ष का निर्माण किया गया है। महिलाओं के लिए एक स्वतंत्र कक्ष हो और उनके बच्चों को भी अच्छा वातावरण मिले, इस उद्देश्य से महिला विश्राम गृह का निर्माण किया गया है। शहर के पुलिस आयुक्त, सह पुलिस आयुक्त, अपर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी और पुलिस उपायुक्त विनीता साहू के सहयोग और MI7 इस सामाजिक संस्था द्वारा इस विश्राम गृह का निर्माण किया गया। इस विश्राम गृह में बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट का सही उदाहरण देते हुए, यहाँ अवैध शराब पर छापामारी के दौरान जब्त किए गए ड्रम का इस्तेमाल करते हुए उनमें बहुत ही सुंदर तरीके से पौधे लगाए गए हैं। वहीं बच्चों को यहाँ अच्छा लगे इसी उद्देश्य से यहाँ उनके लिए झूले भी लगाए गए हैं। महिला कर्मचाऱ्यांची बऱ्याच वेळा अशी अडचण असते की त्याच्या लहान मुलांना घरी सांभाळण्यासाठी कुणी नसतं। अशा वेळी पोलीस स्टेशनला त्या मुलांना घेऊन येण्यात अडचण आहे की पोलीस स्टेशनला इतर कामं असताना, इतर सर्व पोलीस कर्मचारी युनिफॉर्ममध्ये असताना त्यांच्यासाठी वेगळा कक्ष नसेल तर इथं त्यांना वृक्ष वाटेल आणि ते इथं रमणार नाहीत। या दृष्टिकोनातून पोलीस उपायुक्त विनीता साहू मॅडम यांनी हा बालस्नेही कक्ष विश्रामगृहासोबतच मुलांना सुसह्य वाटेल असा एक कक्ष तयार करण्यासाठी मार्गदर्शन केलं होतं, त्यानुसार हा बालस्नेही कक्ष इथे तयार करण्यात आलेला आहे।